विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला चिकित्सालय की परामर्श चिकित्सक डॉक्टर श्रुति वाषणे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष अवश्य लगाए, जिससे हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे। डॉक्टर श्रुति वाषणे ने कहा कि नीम का दातुन दांतों के लिए फायदेमंद है। मौका मिलने पर नीम के दातुन करने से दांतों की विभिन्न बीमारियों से बचा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए डॉक्टर श्रुति वाषणे ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति वाषणे है, मैं यहाँ पर जिला अस्पताल में गोरखपुर में हूँ, अभी लोगों को सर्व कर रही हूँ। आई एम नॉट ऑफिशियली पोस्टेड हियर बट आई एम सर्विंग पेशेंट्स हियर। मैं एक डॉक्टर के रूप में ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं गोरखपुर की जनता को देख रही हूँ, यहाँ पे रोड इंक्रोचमेंट्स की वजह से इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी पहल करे कि एक पौधा बोए, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और एक छोटी सी पहल ये कर सकता है कि एक दिन के लिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए, चार पहिए या फिर दो पहिए की वाहन ना यूज़ कर अगर कोई छोटे डिस्टेंस के लिए पैदल जाए, तो उससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, दूसरा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, सो देर आर लाइक टू बेनिफिट्स फॉर द सेम। तो मुझे लगता है कि एक दिन के लिए ये पहल प्रत्येक व्यक्ति को लेनी चाहिए। डेफिनेटली बींग डेंटिस्ट ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल कि लोग पहले और अभी भी बहुत बुजुर्ग लोग काफ़ी नीम के दातून का यूज़ करते थे, बिकॉज इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि जो हमारे ओरल नेगेटिव फ्लोराज हैं उनको किल करता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है लोगों के अंदर, बट वो एक्चुअली हमने अभी मना करते हैं हम लोगों को, बिकॉज़ वो हर जगह नहीं जा पाता, इसीलिए प्रॉपर पेस्ट होता है, ब्रश होते हैं। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं लोगों को कि नीम की दातून के अलावा ये भी ब्रश का भी प्रॉपर यूज़ करें। ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बनते जा रही है, जी 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 जी, ऑक्सीजन के लिए कितना डेफिनेटली पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऑक्सीजन देता है। अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लोग बहुत वेरियस रीजन्स के लिए पेड़ काटते हैं, उससे आजकल लोगों में अस्थमा होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसीज देखी गई हैं, लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। आजकल हमारे पास पेशेंट्स भी इसके बहुत आते हैं, तो मैं देखती हूँ देर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज पुराने ज़माने को लेकर, और अभी अगर हम देखा जाए तो उस ऐसे पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन डेंजर में ना जाए, तो उसके लिए हम प्लीज़ एक पहल करें कि एटलीस्ट एक पेड़ प्रत्येक व्यक्ति या पौधा एक बोए ज़रूर। आपने